चार नग खरीदने गया। जयपुर के अंदर दुकानदार के पास अग्रवाल सभा के इस सदस्य की और दुकान और जैसे शीशे के अंदर कभी अंगूठी लगी हुई थी, कभी हार लगा हुआ था, कभी हाथ में पहनने वाली चूड़ियां लगी हुई थी जेवरात की, और एक चीज के ऊपर उसकी बीवी बार बार आए और फिर चली जाए, फिर सारा चक्कर मार करके एक बार फिर आए और फिर चली गए, फिर तीसरी बार उन्हें पूछी गया इसका दाम क्या है, और दुकानदार ने बता दिया कि इसका इतना दाम है। तो उसने मुड़ करके देखा अपने आदमी की तरफ, आदमी ने कहा इतने पैसे नहीं है हमारे पास क्या हमने खरीदने। तो जी वो चौथी बार भी आई जब से कहने की जब बात कर रही थी तो दुकानदार ने कहा कि ऐसा है ले लो, पैसे बाद में आते रहेंगे, आज नहीं कोई बात नहीं, बाद में ले लेना। लेकिन वो डिप्लोमेट था, वो कहता कि मेरी देश की साख बिगड़ जाएगी अगर मैं ऐसे पैसे लूंगा, ऐसे बिना पैसे के तुम ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो अपने होटल में कहाँ ठहरे हुए उसका एड्रेस लिख दिया, तो जयपुर का कोई होटल था उसका अपने एड्रेस लिख दिया, हम यहाँ पे ठहरे हुए। दुकान बंद करने के बाद अग्रवाल साहब वो नग लेकर के उसके होटल के कमरे में पहुंचे और बोले कि ये आपकी अमानत दे रहा हूँ आपको, जब आप अपने देश जाओ, जब आप दिल्ली जाओ, जब भी आप दे सकते हो इस नग के इतने पैसे हमारे को दे देना, हमारे को आप पे भरोसा है। आप बीवी के दबाव के अंदर आगे कुछ ले भी लिए और वो वाक्य जब मैंने वहां पर चिली के अंदर सुनाया तो इतफाक देकर डिप्लोमेटिक सर्विस का एक और सदस्य उसका कुली वहीं पर उसी मीटिंग के अंदर उपस्थित था और खड़ा होकर बोला कि मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान के अलावा जहां पर लोग आज भी भरोसे के ऊपर एक नाक दे देते हैं, आदमी के ऊपर भरोसा करते हैं। और मुल्क के जो डिप्लोमैट्स थे, एम्बेसडर थे, उस मुल्क के जो मंत्रीगण थे, सारे के सारे प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि भारत सरकार अगर खड़ा होता है तो चीन की ओर भारत सरकार को अभी करिश्मा कैसे संभव हुआ कि अग्रवाल सभा के एक शख्स ने जयपुर के अंदर इस तरह की सूरत बना दी कि हम हाथ की ठोक करके विदेश के अंदर कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी आदमी भी आर्मी पर रखते हैं मूल पर पैसे से नहीं। और आज आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, लायक हो रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, आगे जाकर के समाज को ही नहीं देश को भी ये संवारे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये प्रथा आपकी चलती रहे। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो दान करने की आस्था हमारे अनेक समाजों में है उसके अंदर अग्रवाल समाज को भी सबसे ज्यादा है। गौ रक्षा तो हमारी पार्टी दसवंत सिंह जी की पार्टी उद्धव सिंह जी की पार्टी है, गौ रक्षा का नारा पिछले 6-7 साल से सारे देश के अंदर प्रचलित हुआ। जो देखो आज के दिन कहता है कि मैं गाय से वो, लेकिन जो वास्तव के अंदर गाय सेवक थे वो छाती ठोक के लिए नहीं कहते कि हमको चंदा दो, हम गौशाला खोलना चाह रहे हैं, हम गाय की सेवा करेंगे। भाई अगर गाय की सेवा करने की उम्मीद या मन की तो 20 साल पहले क्यों नहीं करी, 40 साल पहले क्यों नहीं करी, 70 साल पहले आजाद हुआ जब क्यों नहीं करी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी गाय याद आई, उससे पहले कहां गई थी गाय।
और मुझे कहते हुए ये पते जहां थोड़ी बहुत गायों की सेवा हुआ करती थी, कोई तो दूध निकाल के बेच करके अपना पेट पालने के लिए दिया करता था, गाय रखा करता था, लेकिन सेवा के भाव से अगर कोई सबसे ज्यादा कोई समाज करता था तो अगले प्रभाव करता था। लेकिन मेरे दादा ने सबसे पहले गौशाला भारतवर्ष स्वामी दयानंद जी के कहने के ऊपर जब वो रिवाड़ी आए थे तो अभी भी है स्वामी दयानंद गौशाला एशिया में, कुछ गौशाला ये मलेशिया वगैरह में भी होगी, थाने में भी होगी, हिंदुस्तान में तो पुरानी है ही, तो एशिया की भी सबसे पुरानी गौशाला आपके लिए ये है। और जो लोग कुछ हैं जो आज के दिन गाय के नाम के ऊपर आतंकी मचा रहे थे, गाय का मांस ले जा रहा है तो ले जा रहा है, उसकी और चीज का ही गाय गाड़ी में ले जा रहा है तो उसको खिलाफ प्रचंड कर देते हैं, मार भी देते हैं, उसको खत्म भी कर देते हैं। इस तरह के लोगों से हमको और आपको मिलकर के पूछना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार नहीं बनी थी, जब आरएसएस के माध्यम से सरकार को प्रेरित और सत्तासीन नहीं किया गया था, तो तुमने या तुम्हारे बाप ने तुम्हारे दादा ने कभी एक बिना किसी गौशाला के चंदे के तौर पर क्या द्वार के लिए कहते हो हम गौ सेवक? हर एक चीज एक्सट्रीम में चली जाती तो खराब कर दे। और आज हमारा देश वैसे ही कोविड से जूझ रहा है, चाइना एक साइड को, पाकिस्तान एक साइड को मिल करके हमारे को परेशान करने की नीयत बना रखी है। हमारी सेना जिसके ऊपर आज के दिन हमारी हिफाजत बारंबार है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज का मुझे फक्र कि आपका एक चुनाव नुमाइंदा उस टाइम मोदी सरकार के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री में था, जब भी वन रैंक वन पेंशन हमने फौजियों को मुहैया करी। पहले साल के अंदर 8,500 करोड़ रुपया पेंशन के ऊपर दिया गया, अब 14,000 करोड़ रुपए की है। और अगर ये कोविड नहीं आया होता और कुछ माली हालत हमारी सुधरी बनी रहती, तो जो भी बेटी की नौकरी करने वाले हैं उनको भी हम सोच रहे थे रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन आदमी मिलती, खड़े खड़ी आदि खड़े उनको नहीं मिली, सीआरपीएफ को नहीं मिलती, बीएसएफ को नहीं। लेकिन मैं इस चीज के लिए आज जिक्र आपके बीच में यूं करना चाह रहा हूं कि आज हमारा देश परेशानियों से घिरना घिरे हुए होने के बावजूद भी हमारे को एक व्यक्ति नजर आ रहा है जिसने हमारा झंडा और हमारा नारा विश्व के अंदर बुलंद रखा है, और उसके नाम है नरेंद्र मोदी। मैं ये महसूस करता हूं कि मैं बना, लक्ष्मण सिंह बने, और कोई चुना गया, भारतीय जनता पार्टी को चुनने के अंदर सत्तासीन करने के अंदर आप लोगों का बड़ा भारी योगदान है। आपको उसका धन्यवाद। लेकिन मैदान में कोई लड़ता है तो कोई तो हारेगा, कोई जीतेगा, कोई हारी होगा। तो आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बुलाओ तो मैं आऊँगा, मुझे ना बुलाओ तो भी आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं 70 साल का हो गया हूँ, मैं सोची तो मुझे उनको कहा था मैंने कि भाई तुम मुझे स्टेज पे मत बोलो, वीडियो कैमरा के मार्फत करवा दो। बोले नहीं हम तो मानते नहीं, तुम वहाँ बोले सुबह आ गया। और अभी यहाँ पर हमारे भाई साहब मंगला सिंह बोल रहे थे, बात बोल रहे थे, एक सवाल रहे थे दीपक मंगला जी कि अभी परेशानी हो गई सरकार की, पैसे की किल्लत हो गई,
इंद्रजीत सिंह के पास भी पैसा पूरा होना चाहिए था, नहीं हुआ। जो एंटी लैंड फंड देश भर के अंदर था कोविड के लिए दे दिया, प्रधानमंत्री कोर्ट पर चला गया, प्रधानमंत्री के लिए चला। लेकिन जिस दिन भी होगा उस दिन भी आपको देने के लिए जा रहे हैं। एक चीज के ऊपर और मैं जिक्र करता हूँ, फिर मैं बैठ जाऊंगा। यहाँ स्टेज पर से मांग हुई कि हमारी 24,000 गज की जमीन है और 2 एकड़ की हमसे मिल रहा है, पता नहीं कितने की मिलता है। कह रहे थे एम्स के बराबर में दिलवा दो, वहाँ पहले हम मैं यूँ कह रहा हूँ कि पहली सत्ता 5 वर्ष की योजना के अंदर बीजेपी की पहली सरकार 5 वर्ष के अंदर एक भी जाति के नाम के ऊपर किसी को प्लॉट आवंटित नहीं। कुछ आप लोगों ने प्रयास किए, कुछ बिरादरी वालों ने किए, कुछ हमने भी करे हो, सरकार की थोड़ी सी भी आई। एक आध मैंने सुना है प्रस्तावित है, एक आध मैंने सुना है कि कर दिए गए कि लोगों को जाति के नाम के ऊपर धर्मशाला बनाने के लिए जमीन मुहैया अलॉट करवाई गई है सरकार के सेकेंड फेज पर। भाई आप लोगों के लिए पहले तो इसको बना लो, ताकि इतने ही भरो जितने मतलब कंप्लीट हो जाए। ये थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ कि पूछी हुई है, इसको कंप्लीट करवा लो। आगे के लिए हम और चर्चा करेंगे, आने वाले समय के लिए कोशिश करेंगे। अभी 4 साल लगाए आपने हमारे को, 4 साल में 5 साल में बनाया, 1 ही साल गुजरा है। दुर्भाग्य से ये साल सारा हमने और आपने नज़रबंद रह करके काटा है, इसका घंटा हिस्सा हमने नज़रबंद रह करके काटा है। बस इतना ही मैंने कहना था। आप लोगों को दशहरा की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप लोगों को आने वाले समय में दिवाली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप लोगों के कुंबे के अंदर खुशी आए, पैसा बने, किल्लत कमजोरी हटे, आने वाले समय के अंदर अगले साल के लिए जब कभी बुलाओगे उम्मीद करता हूँ कि हालात देश के अंदर इस तरह के नहीं होंगे जिस तरह के आज के दिन हैं, जिस तरह के नहीं होंगे जिस तरह के आज के दिन देश के अंदर हैं। और जो बच्चे हमारे जो सम्मानित हुए, कुछ बाद में भी सम्मानित हुए, कुछ एक्सचेंज हो गया जरूर का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने 90 से उस पर लेकर के एक खासा माइलस्टोन प्राप्त किया है। जब मैं कॉलेज में हुआ करता तो 60% अगर मिल जाते थे ना, अगर और पढ़ा लिखा है अब 90% पढ़ा नहीं करते तो 95 और 97 हो जाते थे, पर जमाने भी 90 से ऊपर ये और कॉलेज के अंदर राख किया गया दिया उन सबको और उनके गुंडे वालों को मैं धन्यवाद करते हुए और हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और विधायक लक्ष्मण सिंह जी, हुकम सिंह जी, सारे और जो मेरे अग्रवाल बंधु सहपाठी हुए और अग्रवाल समाज से प्रतिभा प्राप्त करने आए बच्चे, उनके बुजुर्ग, उनके माता पिता, मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि छोटे से प्रोग्राम में आपने हमारा साहस बढ़ाया। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आज समाज में प्रतिभा प्राप्त करके उनमें उत्सुकता बढ़े और वो आगे कुछ करने की हिम्मत करें, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय राव इंद्रजीत सिंह जी कृपया मंच पर आए, हमारी सभा उनको एक आज के प्रोग्राम के तौर पर एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। राव साहब प्लीज सभा के पदाधिकारी, राव साहब आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दिखाने पे। आगे भी हम उम्मीद करेंगे जब हम बुलाएंगे आप हमेशा चले आएंगे। हमारे विधायक महोदय का भी धन्यवाद कोसली से, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी का भी धन्यवाद यहाँ पधारने पर। आप सही क्या
आपको यहीं पे बैठा के रखेंगे, बच्चों को आपके हाथ पर पुरस्कृत करवाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे विधायक कोसली के लक्ष्मण जी से, जिला अध्यक्ष भूकंप चंद जी से, प्रधान जी राधेश्याम जी से, हमारे जिला अध्यक्ष पता हो थोड़ा, उनको तो सारा ही पता होगा, हमको शायद थोड़ा पता है। तो एक मूड कोर्ट का आयोजन होता है, उसमें इस बच्ची ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पोजीशन हासिल करी है, बहुत बड़ी बात है समाज के लिए। मुस्कान अग्रवाल, डॉक्टर ऑफ श्री संजय कुमार, इस बच्चे ने म्यूनिसिपल यूनिवर्सिटी जो अपने यहाँ पर है बीकॉम में ऑनर्स में सेकंड पोजीशन हासिल करी है। मुस्कान, थैंक यू बेटा। मुस्कान अग्रवाल, अगला नाम मैं लूंगा। देखिए, जो शुरू में नाम लिए थे, अगर लक्ष्य गर्ग जी हैं तो कृपया वो भी आ जाएं। उनका रह गया था लक्ष्य गर्ग, सन ऑफ श्री महेश कुमार गर्ग, इन्होंने नेट क्वालिफाई किया। अगर बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स आए हैं तो वो भी कृपया मंच शेयर करें और तालियां आप उनको जरूर दें। मिस्टर पीयूष अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल, हाँ जी, याद है, धन्यवाद। अब ठीक है ना, अब दादा के साथ फिर एक ही पॉइंट बटा घटा तू, आप उसको करो, एक सवा सौ यहाँ करो, ट्यूशन करवा। लक्ष्य जी आ गए, लक्ष्य हो गए, मुस्कान अग्रवाल जी होंगे ये सेकंड पोजीशन। प्रिया, डॉटर ऑफ श्री ब्रिज भूषण, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है मीरपुर यूनिवर्सिटी बी कॉम में। देखिए, हमारे जो बड़े भाई, हमारे फोटोग्राफ संजय जी का आदेश है यार, बच्चों की फोटो ढंग से ठीक है, मंत्री इन दोनों प्रोटोकॉल यार उनके सामने निभा ले, थोड़ा सा फोटो ठीक आनी चाहिए, कृपया फोटो के टाइम पे अपना मास्क नीचे कर ले बच्चे। देखिए, हमारे बीच हमारी महिला शक्ति, महिला प्रधान और उनकी टीम भी यहाँ पे मौजूद है, उमा जी, उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वो भी मंच पर आए, उमा जी और उनकी टीम। प्रिया, डॉक्टर ऑफ ब्रिजभूषण हो गए जी। हर्ष अग्रवाल, सन ऑफ श्री दिनेश अग्रवाल, इन्होंने किर्गिस्तान एमबीबीएस से एमबीबीएस की और हिंदुस्तान के अंदर एक टेस्ट होता है वो भी उन्होंने क्वालिफाई किया है। हर्ष अग्रवाल जी, वैशाली गोयल, डॉक्टर ऑफ श्री सुरेश गोयल, इन्होंने नेशनल लेवल एसए कंपटीशन में सेकंड पोजीशन हासिल की है। ठीक है, ठीक है, वैशाली गोयल, अच्छा। देवांशी बंसल, डॉक्टर ऑफ श्री रमेश बंसल, CF 100 फाउंडेशन में इन्होंने 28 पोजीशन गेन करी है, इनके लिए जोरदार तालियां। मनीष अग्रवाल, सनो श्री बनवारी लाल अग्रवाल, लॉ के अंदर इन्होंने 3rd पोजीशन गेन करी है। देखिए, इस कोरोना के अंदर एक चीज और भी है, ताली बजाने से कोरोना भाग जाता है, और ये भी कहते हैं कि अब ताली बजाओगे तो बाद में नहीं बजानी पड़ेगी। सीएम साहब, बनवारी भैया, महिला सभा के जो सदस्य हैं अनुरोध करो जरा। मनीष अग्रवाल जी आ गए, बनवारी लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनल गुप्ता, डॉक्टर ऑफ श्री विनोद गुप्ता, इन्होंने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है।
देखिए हमारे विधायक महोदय का बीजेपी कार्यालय के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, उनका कार्यक्रम पहले से था और वहां पर उनका इंतजार हो रहा है, तो हम अपने प्रोग्राम की वजह से उनको हम लेट नहीं करेंगे। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा हमारे सभा के जो पदाधिकारी है वो विधायक महोदय और हमारे जो जिला अध्यक्ष महोदय है उनको मोमेंटो एक स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। मैं अनुरोध करूंगा आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे रामकृष्ण जी भालकी वाले से, कृपया मंच पर आए सभा और हमारे विधायक महोदय और जिला अध्यक्ष महोदय उनको सम्मानित करेंगे। रामकृष्ण जी भालकी वाले, देखिए ये लोग समाज के प्रेरणा स्रोत रहते हैं, पैसे भी बहुत जरूरी होते हैं, दानवीर जब तक आगे नहीं आए ना समाज का कोई कार्य नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां होंगी। सभा के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा विधायक जी का और बीजेपी जिला अध्यक्ष महोदय का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। एक बार तालियां विधायक जी को भी लगना चाहिए, पूरा मान सम्मान बहुत जोर से अग्रवाल। समय लेने के लिए विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे रेवाड़ी के जिला भाजपा के अध्यक्ष हुकम सिंह जी का भी स्मृति चिन्ह द्वारा सम्मान किया जा रहा है। प्रधान जी मंगले जी साथ हो जो बहुत दिल से साथ हैं विधायक जी। अनुरोध है हमारे जो चेयरमैन आए हुए दिल्ली से उनको भी सभा द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विधायक जी जिला अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य श्री नितेश जी हैं, मैं पहले नाम लेना उनका जो उनको एक जिम्मेदारी मिली है, युवा अग्रवाल समाज रेवाड़ी की उनको एक जिम्मेदारी मिली है। हमारे यहाँ एडवोकेट है और भी कई सपोर्टर सही नहीं आएगी। हमारा बच्चों का जो सम्मान समारोह थोड़ा सा लेट होता जा रहा है। अनुरोध मैं आप सबसे करना चाहता हूँ, सभा द्वारा खाने का प्रोग्राम किया हुआ है तो कोई भी बिगड़ खाना खाया नहीं जाएगा। शिखा अग्रवाल डॉक्टर ऑफ श्री अनिल अग्रवाल, शिखा अग्रवाल डॉक्टर ऑफ श्री अनिल अग्रवाल सिलेक्शन इन एमडी रेडियोलॉजी। उमेश गोयल सन ऑफ श्री जयप्रकाश गोयल, इन्होंने सीएस कंप्लीट किया है। उमेश गोयल सन ऑफ श्री जयप्रकाश गोयल, डॉक्टर कीर्ति अग्रवाल डॉक्टर ऑफ श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल कंप्लीटेड एमएस ऑप्थमोलॉजी फ्रॉम AIIMS जो आपके इलाके में भी खुलने जा रहा है। देखिए ये अपने आप में अचीवमेंट है। पहले सोचा करते हैं कि बच्चे पढ़ लिए बनेंगे बच्चे अपनी दुकान के ऊपर बैठ जाएंगे, ना अब नहीं है वो समय। बच्चे हर जगह हर फील्ड के अंदर क्वालिफाई कर रहे हैं। डॉक्टर कीर्ति अग्रवाल, शैली गर्ग डॉक्टर ऑफ श्री विजयगढ़, इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। कोरोना दोबारा आ जाएगा ताली नहीं बजाओगे तो। बनवारी लाल जी से अनुरोध है कृपया मंच पर आए। शैलीगर सीएम साथ लगाओ भाई। रिया गुप्ता डॉक्टर ऑफ श्री ललित भूषण गुप्ता। देखिए हमारे बच्चे पढ़ाई की बात नहीं है, अब खेलों में भी आगे आने लगे। स्टेट लेवल टेबल टेनिस में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया है और शायद अगर मैं थोड़ा सा मेरे को थोड़ी बहुत अगर जानकारी हो तो इस बच्ची की जो मदर है वो भी शायद मेरे ख्याल से टेबल टेनिस में यही कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल पे खेला। इन्होंने एक बार जोरदार तालियां। डिंपल डॉक्टर ऑफ श्री रमेश कुमार, डिंपल डॉक्टर ऑफ श्री रमेश कुमार, इस बच्ची ने पार्टिसिपेशन किया फुटबॉल के अंदर।
पूरे स्टैमिना का खेल होता है वो। गिरीश जी से अनुरोध है कृपया मंच बनाए। नीरू डॉटर ऑफ श्री रमेश कुमार, इस बच्ची ने जिमनास्ट में स्टेट लेवल पार्टिसिपेशन किया है, जोरदार तालियां बच्चियों के लिए। निधन गोयल सन ऑफ श्री नवीन गोयल, हमारे महिला मंडल जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के समय देने के लिए। रिदम पायल डॉटर ऑफ श्री सुरेंद्र कुमार, सेकंड पोजीशन इन बीकॉम आईजीयू मीरपुर। देखिए जो बच्चे जा रहे हैं, हेलो बेटी फुटबॉल में और ये जिमनास्ट में वापस आओ, आपको इतनी जल्दी इसलिए नहीं दिया गया था, आप लेके चले जाओगे, नीचे खाने का भी प्रोग्राम है। साहिल गोयल सनम श्री सुरेंद्र गोयल, इस बच्चे ने 92.2% मार्क्स लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। साहिल साहिल भावना डॉटर ऑफ हेमंत, भावना डॉटर ऑफ हेमंत कौन ले रहे हैं, इस बच्चे ने 93.2 बच्चा तो डर गया, मंगला जी इधर आ जाओ, बच्चा डर गया। धन्यवाद। अरे देखो कितनी शानदार सुबह वालों से, वो भी कृपया मंच पर आए। भूमि गोयल डॉटर ऑफ श्री अशोक गोयल, इस बच्ची ने 10 के अंदर 96% मार्क्स लिए हैं, बधाई। आपसे अनुरोध है कृपया ताली बजाएं। वंश बंसल सन ऑफ श्री नवीन कुमार, इस बच्चे ने 92% खुशी घर डॉक्टर ऑफ श्री संजय घर, खुशी घर इस बच्चे ने 92% खुशी घर के मार्क्स लिए, बहुत अच्छी बधाई की पात्र है। तनुज बंसल सन ऑफ श्री रमेश कुमार 96.6, जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। घनश्याम बंसल जी से अनुरोध है कृपया मंच पर आए। पुलकित गर्ग सन ऑफ श्री तरुण कुमार गर्ग, राजीव एडवोकेट साहब से अनुरोध है कृपया मंच पर आए। पुलकित गर्ग सन ऑफ श्री तरुण कुमार गर्ग, देखिए पापा भी हैं, दादा भी हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आए। भूमिका डॉक्टर ऑफ श्री पवन कुमार गुप्ता, इस बच्चे ने 96.2% मार्क लिए। भूमिका भूमिका हिमांशु सन ऑफ श्री पवन कुमार गुप्ता, भूमिका हिमांशु हिमांशु ब्रदर सिस्टर आप सर है बेटा, भाई बहन दोनों, बहुत अच्छी दोनों बच्चे ने 96 भूमिका ने और 93.2% हिमांशु ने, बहुत दोनों। आप भी आइए प्लीज स्टेज पर, आइए आइए आइए,
आइए प्लीज बच्चे साथ हो जाओ। कनिष्का बंसल, डॉक्टर श्री पवन बंसल, इन बच्चे ने 93.2% नंबर लिए हैं, बहुत अच्छे। उर्वी गुप्ता, डॉक्टर श्री नीरज गुप्ता, उर्वी गुप्ता, डॉक्टर श्री नीरज गुप्ता, मेरे ख्याल से उर्वी की ताई जी भी है, वो भी मंच पर आए। पापा कहाँ हैं इनके? आप आगे आओ नीरज जी। यार पीछे खड़े हो रहे हैं यार, आदमी दौड़ी रहे यार, आ जाओ। सिंपी डॉटर ऑफ संजय कुमार, इस बच्चे ने 94% मार्क्स लिए, बधाई, बहुत बहुत। सिंगी डॉक्टर ऑफ श्री संजय कुमार, सिंगी डॉक्टर ऑफ श्री संजय कुमार, भाजी थोड़ा सा पीछे आप, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यश अग्रवाल, सनोत्री मुकेश अग्रवाल, अनुज बंसल ने 97% और यश अग्रवाल ने 95.2%। जतिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह समय देने के लिए, समय जो आपने, इनको और प्रोत्साहित करो हमारे समाज के लोगों को पार्टी बढ़ने के लिए। यश अग्रवाल, ध्रुव अग्रवाल, सनम श्री सतीश कुमार, ध्रुव अग्रवाल, इस बच्चे ने 91.4% मार्क्स लिए, जोरदार तालियां नीचे बच्चों के लिए। देखिए कहना नहीं चाहिए, मन से कहना पड़ रहा है कि समाज के जो बच्चे लेते जा रहे हैं वो जाते जा रहे हैं। देखिए जो लास्ट नंबर है उसके लिए ताली कौन बजाएगा, वो पहले भी आएगा कभी, तो ऐसा ना करें, अच्छी बात नहीं है। शुभम अग्रवाल, सनम श्री अशोक कुमार अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, सनम श्री अशोक कुमार अग्रवाल, इस बच्चे ने 95.6% मार्क किए, जोरदार ताली बच्चे। वैभव अग्रवाल, सनम श्री संजय अग्रवाल, इस बच्चे ने 10th के अंदर 93% मार्क्स लिए। आप यही ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो, ठीक। थैंक यू। प्लस टू के नितिन कुमार अग्रवाल, वैभव अग्रवाल, आप ही कह रहे थे ना वैभव हो ना, आपका ध्यान इसी में है। नितिन अग्रवाल प्लस टू पे इन्होंने 95.4% मार्क्स किए हैं, और इनका जो बड़े भाई थे उन यो वो भी हमारी सभा से सीए बने थे, दो बार सम्मानित थे, अच्छे दोनों बड़े भाई भी आए हुए मेरे ख्याल से। इनके वरुण है क्या भाई, वरुण प्रियांशी अग्रवाल, डॉक्टर ऑफ श्री राजेश अग्रवाल, ट्वेल्थ में इन्होंने 95% मार्क्स दिए, बच्ची के लिए जोरदार ताली। नुपुर गोयल, डॉक्टर ऑफ श्री सुरेंद्र गोयल, ऋषिका गुप्ता, डॉक्टर ऑफ श्री विनोद गुप्ता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है बेटा, यहाँ देखो ऋषिका गुप्ता, डॉक्टर ऑफ श्री विनोद गुप्ता, बच्चे ने 93.2% मार्क्स लिए हैं प्लस टू में, बहुत अच्छी बात है। योगेश कुमार, सनम श्री रामावतार अग्रवाल, थैंक
मार रही कल जितने भी बच्चे हैं रेडी कर 12 बजे के बाद भवन पे कल 12 बजे के बाद भवन में आपको आपकी फोटो मिल जाएगी। संजय जी इस कार्य के लिए कल तत्पर है। ईशा अग्रवाल डॉक्टर ऑफ श्री दीपक अग्रवाल अमित जी से अनुरोध है कृपया मंच पर आए। ईशा अग्रवाल डॉक्टर ऑफ श्री दीपक अग्रवाल ईशा अग्रवाल नितिन गोयल जीवन प्रसाद। देखिए इस बच्चे के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा इसके फादर के पास मेरे ख्याल से एक मिनट या दो मिनट का समय भी नहीं होगा रोटी खाने के लिए भी। इस इंसान के पास सुबह से शाम तक का काटता रहता है बाजार में और उसके बाद इस बच्चे ने इतनी अचीवमेंट करी बहुत बड़ी बात है। जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। ईशु गोयल डॉटर ऑफ श्री इंद्र कुमार गोयल ईशु गोयल ईशु गोयल बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। मयंक सनम श्री जवाहरलाल साक्ष्य सनम श्री महेंद्र कुमार इस बच्चे ने मयंक ने 97.6% नंबर लिए बहुत अच्छे। देखिए अगली बार से शायद हमको ऐसा करना पड़ेगा कि जो पेरेंट्स बाहर जाएंगे उनसे सम्मान ले लेंगे कहेंगे भी बैठना पड़ेगा तुमको तो फिर जाना पड़ेगा अगली बार ये करना पड़ेगा। साक्ष्य ऋतिक गोयल सनम श्री मोहन गोयल 95.4% भावना अग्रवाल डॉटर ऑफ श्री दिगंबर कुमार इस बच्चे ने 91% मार्क्स लिए हैं। भावना अग्रवाल कोमल डॉटर ऑफ श्री मोहनलाल 96.4% इस बच्चे ने मार्क्स लिए हैं। अरे तो हमारे मोहनलाल जी कहाँ रह गए भाई बच्चों ये बताओ। देखिए इस बच्ची के बारे में आपको बताना चाहूंगा ये हमारे जर्नलिस्ट है मोहनलाल जी उनकी बेटी और ये बच्ची भी जर्नलिज्म में आ गई है ये भी कवर करती है पर बहुत बढ़िया जोरदार ताली इस बच्ची के लिए। भावना कर मोहनलाल जी कोमल साक्षी गुप्ता डॉक्टर ऑफ श्री मुकेश इस बच्ची ने कोमल ने 96.4% साक्षी ने 94% साक्षी वर्षा बंसल श्रेया डॉक्टर श्री मनोज गोयल हिमांशी डॉक्टर ऑफ श्री मनोज गोयल श्रेया 93% हिमांशी 97.8% क्वालिफाइड इन जेई एडवांस रैंक नियर 3000 श्रेया हिमांशी दोनों बहने हैं मेरे ख्याल से सॉरी हिमांशी डॉक्टर ऑफ श्री मनोज गोयल मनोज गर्ग बोल सुधा रितिशा जिंदल डॉक्टर ऑफ श्री वीरेंद्र कुमार जिंदल इस बच्चे 91% मार्क्स लिए हैं। रोहन गर्ग सन ऑफ श्री दिनेश कुमार 94.6% क्वालिफाइड इन जेई एडवांस रितिशा जिंदल प्रेम शंकर जी से अनुरोध है कृपया मंच पर आए।
रितिशा 91%। रोहन गर्ग 94.6% क्वालिफाइड इन जेई एडवांस। देखिए रेवाड़ी मिडिल क्लास तैयार किया जाता है, यहाँ रहकर भी प्रतिभा निकल रही है, बहुत बड़ी बात है। दिव्या अग्रवाल डॉक्टर ऑफ श्री उकरसैन 96.2%। अनिल अग्रवाल जैसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आए। अनिल जी जल्दी आओ, साथ में मिसेज को भी लेके आओ। अकेले कैसे आ गए आप, ये भी बात है, छोड़िए कौन कह रहा है, एक बार लेके आओ जल्दी से साहब, वरना घर पर रखते नहीं मिलेगी साहब। आज देखिए साहब प्रोग्राम होते रहे हैं, होते रहेंगे, कोरोना की वजह से शॉर्ट जो इतनी देर से संभाल रहे हैं, अच्छाई बुराई सब सहन करके मैं हेमंत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे समाज की तरफ से। और सबसे आग्रह है कि सब भोजन करे बिना ना जाए, कृपया नीचे खाने का प्रबंध है, कोई भी जो जाए बगैर भोजन के ना जाए, ये मेरा सबसे विशेष आग्रह है। धन्यवाद।